मतलब भैया कहीं भी जा सकते थे, उन्होंने बोले थे टाटा का गाड़ी आप ही करते तो आप ही मुझे मॉडिफाई। बिल्कुल बिल्कुल। और वेट कर रहे थे एक महीने से, वेटिंग पे थी गाड़ी, है एक महीने के बाद आई है गाड़ी, एक महीने पहले ले लिए थे। और भैया बोले थे कब समय दोगे, कब टाइम दोगे। पावर विंडो के स्विच है पूरा, बिल्कुल ये देख सकते हो, फ्रंट फोर डोर कंट्रोल के साथ में। जैसे लॉक करेंगे तो ये मिरर फोल्ड हो जाएंगे, दोनों मिरर फोल्ड हो गए आपको देख सकते हो, और ये गाड़ी लॉक हो चुकी, गाड़ी हमारी लॉक है ठीक है। यहाँ से अनलॉक करेंगे मिरर अनफोल्ड होगा भाई, मिरर हमारे खुल गए और गाड़ी भी हमारी ओपन हो गई। वो उनको भी पता है ना कि टाटा की गाड़ी धर्मेंद्र भैया ही करते हैं, डिजिटल कार ही करते हैं और सबसे बेस्ट काम यहीं पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो वेट कर रहे थे। वंस अगेन हम लोग आए डिजिटल कार श्रृंगार, और यहाँ पे हमेशा आप लोगों को टाटा का जैसे काफिला मिलता है, टियागो बेस टू टॉप मॉडिफिकेशन के लिए, एल्ट्रोज मॉडिफिकेशन, वो वाली एल्ट्रोज भाई टोटली मॉडिफिकेशन, बट आज का मेन सेगमेंट है हमारी ये टियागो, और ये है भाई हमारे किनकी है वो भाई डिजिटल कार वाले भैया बताएंगे। भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत। तो आज की इसे टियागो में हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, काफी नॉन बंदे की है, लेकिन आप ही बता दो कि भाई किनकी गाड़ी में किस लेवल तक मॉडिफिकेशन। ये जो टियागो है अभी बेस मॉडल है, एक्सी मॉडल ठीक है, जो सबसे बेस मॉडल आता है वो गाड़ी रहने वाली है। और ये जो गाड़ी है अभी अल्ट्रा ऑडियो की, जिसकी ब्रांड की हम लोग काम स्क्रीन वगैरह लगाते हैं, म्यूजिक सिस्टम और बहुत सारे आइटम आता है, स्पीकर्स आते हैं, डैम्पिंग आती है, बेस ट्यूब आता है, तो उन्हीं भैया की गाड़ी है, अल्ट्रा ऑडियो वाले कंपनी की, अल्ट्रा ऑडियो कंपनी के ओनर उनकी गाड़ी है ठीक है। और वो गाड़ी में हम क्या क्या कर रहे हैं वो दिखाते हैं, जैसे कि टाटा की गाड़ियों का काम हम करते हैं। हाँ, तो भैया ने हमारे को बोला कि भैया आप ही करके दोगे ये। अच्छा, टियागो का काम। अच्छा, मतलब भैया कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी उन्होंने बोला कि टाटा का गाड़ी आप ही करते तो आप ही मुझे मॉडिफाई। बिल्कुल बिल्कुल। और वेट कर रहे थे एक महीने से, वेटिंग पे थी गाड़ी, है एक महीने के बाद आई है गाड़ी, एक महीने पहले ले लिए थे। और भैया बोले थे कब समय दोगे, कब टाइम दोगे, मेरी गाड़ी कब करोगे। मतलब गाड़ी डिलीवरी पहले ही हो रखी थी, एक डेढ़ महीने से, एक डेढ़ महीने से। आज आपको आज टाइम मिला, आज टाइम मिला भैया। पहले क्या होता है जो कस्टमर की गाड़ी है ना उस पर फोकस करते हैं, उसका काम हो, ये तो घर की गाड़ी है तो कभी भी कर लेंगे। अरे वाह, बिल्कुल सही बात है। तो भैया मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्या क्या हो रहा है अभी? वैसे तो बेस टू टॉप ही हो रहा है। हाँ जी, बेस टू टॉप हो रहा है। सेंट्रल लॉक लग के नहीं आया इसके अंदर, तो सेंट्रल लॉक लगा रहे हैं, पावर विंडो लगा रहे, ओरिजिनल टाटा जेन्युइन जैसे ओरिजिनल स्विच आता है, पैनल आता है पूरा, वो चेंज कर रहे हैं चारों गेटों की। फोग लैम्प लग के नहीं आता तो फोग लैम्प लगा रहे हैं, यूनो मिंटा कंपनी की ठीक है। ऊपर DRL लगा रहे हैं, ऊपर हेडलैम्प के अंदर हैलोजन बल्ब लग के आता तो LED बल्ब इंस्टॉल कर रहे हैं। LED अल्ट्रा ऑडियो का ही लग रहा होगा। हाँ जी, अल्ट्रा ऑडियो का LED, बिल्कुल हाँ जी, LED अल्ट्रा ऑडियो का, स्क्रीन अल्ट्रा ऑडियो का, स्पीकर अल्ट्रा ऑडियो का, और ये छोटी सी बेस्ट ट्यूब है, ये भी अल्ट्रा ऑडियो का ही है भाई, अल्ट्रा ऑडियो का प्रोडक्ट है। बाकी जो है सेंट्रल लॉक इन RD कंपनी की है, पावर विंडो टाटा की जेन्युइन है ठीक है, फोग लैम्प यूनो मिंटा कंपनी की है ठीक है, शीट कवर अपनी नो खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, साइड मिरर टाटा का जेन्युइन, साइड मिरर टाटा का जेन्युइन ठीक है, डोर वाइजर गैलियो कंपनी की ठीक है, और सीट कवर जो अपनी। भैया अंदर की तरफ से दिखा देते हैं, तो गाइस मैं अंदर चलता हूँ एक बार, आप लोग को डिटेल में अंदर दिखाता हूँ। तो भैया ने फुल ब्लैक सीट कवर लगवाया हमारा, बीच में पंचिंग बोल लो, परफोरेशन बोल लो, वो बिल्कुल लगा है। और फुल बैकअप है, विद लेमिनेशन है, जिसकी 5 साल की गारंटी देते हैं हम ठीक है, और 10 साल भी सीट कवर कुछ नहीं होगा, काफी हैवी क्वालिटी होती है और फोम और कुशनिंग काफी अच्छी है इसकी ठीक है भाई, बढ़िया चीज जो है, काफी हैवी है भैया, काफी हैवी। ये भैया मैनुअल वाला मोटर था, ये मैनुअल वाला जो लग के आता है हैंडल घुमाने वाला, पावर विंडो का ठीक है, शीशे का वो वाला मोटर से रिप्लेस करके हमने टाटा जेन्युइन लगा, टाटा जेन्युइन पूरा लग चुका है। और ये देख सकते हो ये ऑटो फुल, ये अपना पावर विंडो के स्विच है पूरा, बिल्कुल ये देख सकते हो, फ्रंट फोर डोर कंट्रोल के साथ में, और ये आपका रियर का हो गया, नहीं ये फ्रंट लेफ्ट का, साइड का, और ये दोनों रियर के हैं। अच्छा, ये दोनों हमारे रियर के हो। हाँ जी ठीक है भैया। और ये देख सकते हो सारे टाटा के जेन्युइन पार्ट्स, यहाँ पे टाटा का जेन्युइन देख सकते हो, टाटा यहाँ पे भी टाटा का मोनो का सब कुछ होगा, कुछ आप लोग को भी। यहाँ स्टीयरिंग कंट्रोल टाटा का ओरिजिनल टू साइड वाला लगा रहे हैं इसके अंदर ठीक है, पूरी लाइट भी वर्किंग है, सब चेक करा देंगे आपको ठीक है। और ऑटो फोल्ड के भी यहाँ पे स्विच लग चुके हैं। अच्छा, ऑटो फोल्ड का स्विच है गाइस, एक बार रेडी होने के बाद दिखाते हैं, बिल्कुल तो डिटेल में शूट किया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार गाइस रेडी हो जाए, स्पीकर, स्पीकर दिखा रहे भैया, देखो कोएक्सल का सेटअप लगा अल्ट्रा ऑडियो का ही। हाँ जी, ये देख लो भाई बढ़िया चीज, ये एंटीना नहीं लग के आता अंदर, एंटीना भी लगा है इसके अंदर ठीक है, और FM के लिए होता है, प्रॉपर FM वर्किंग है, वायर के साथ पूरा कनेक्टेड है म्यूजिक सिस्टम के अंदर। और यहाँ ग्लोसी, हाँ ग्लोसी ब्लैक ये फ्रेम है पूरा देख सकते हो, ये देखो प्रॉपर टियागो की फिटिंग की। चलो भाई बढ़िया चीज है गाइस, अब रेडी होन दो, सारा काम हो रहा है डिजिटल कार श्रृंगार, आपको पता ही है। और भैया ने खुद भी यही शॉप को चुना कि अपनी गाड़ी का मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो एक बार रेडी हो जाए तो आपको डिटेल में। सो गाइस फाइनली हमारी टियागो टोटली मॉडिफाइड हो चुकी है, और आफ्टर मॉडिफिकेशन A to Z कुछ ये लुक्स इसके निकल के आ रहे हैं।
आप लोग कमेंट करो भाई, कुछ नहीं रह गया इसमें। ओवरऑल जो जो मेन था भैया का टेस्ट था या फिर जो जो बेसिक होना चाहिए था गाड़ी में टॉप लेवल तक ले जाने के लिए सब कुछ कर दिया गया। धर्मेंद्र भैया कंप्लीट है बिल्कुल। तो भैया अब एक एक करके मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं इसमें। तो हमने स्टार्टिंग में एलईडी का पूरा सेटअप दिखा दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई आप लोग देख पाओगे हेडलाइट में एलईडी, नीचे एलईडी, अगेन भैया पूरा बता दो इसमें क्या क्या कैसे कैसे है। भैया इसके अंदर जो रिम है ना, हाँ हाँ, ये सिल्वर कलर का आता है, नॉर्मल रिम आता है, उसको पेंट करके, ब्लैक पेंट करके ऊपर से व्हील को लगाया है, ठीक है। और टाटा के लोगों के साथ में प्रॉपर ही आफ्टर मार्केट रहने वाली है, ठीक है, ठीक है जी। हेडलैम्प के अंदर हेलोजन बल्ब लग के आता है, ठीक है, जो पीली जलती है, हाँ हाँ। तो इसके अंदर एलईडी इंस्टॉल करा है 220 वाट की, ठीक है, दो साल की रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ में, ठीक है। और ये इनो मिंडा की फॉग लैम्प और उसके अंदर एलईडी इंस्टॉल कर दिया गया 75 वाट की एलईडी, 75 इसकी एक साल की वारंटी है, ठीक है। और इसके ऊपर ये डीआरएल भी लगाया, डीआरएल जो जनरली टियागो में लगता है, और इंडिकेटर पे पूरा मैट्रिक्स होता है, इंडिकेटर करेंगे तो मैट्रिक्स साल पे रनिंग भी करती है। और इनो मिंडा की फॉग लैम्प रहने वाले, ये आपका विद रिले वायरिंग कंप्लीट है। ये इंडिकेटर ऑन करके दिखा देना कैसे क्या सेटअप रहता है इसका। तो गाइस अभी ये देख लो पूरा डीआरएल का सिस्टम है अभी यहाँ पे। और ये देखो अभी इंडिकेटर भैया करके दिखा देंगे आप लोगों को। तो ये देखो दोनों तरफ से देखो लुक्स, कुछ ये लुक्स निकल के आ रहे हैं भाई। ये देखो दोनों का दोनों हमारा भैया बहुत बेहतरीन लगता है। हाँ जी, अभी मैंने दोनों वाला इंडिकेटर दबाया है, दोनों जल रहे हैं। अगर राइट का जलाएंगे तो राइट का करेगा, लेफ्ट का जलाएंगे तो लेफ्ट का करेगा। मतलब जिस साइड का इंडिकेटर डालेंगे उस साइड का चलेगा। हाँ, उस साइड का चलेगा इंडिकेटर पे। ये मैट्रिक्स स्टाइल पे चल रही है, रनिंग कर रही है पूरी। ये देखो भाई, ठीक है, मजेदार चीज है भैया बिल्कुल। तो फ्रेंड्स हॉर्न का भी अपग्रेड किया गया। हाँ जी सर, चलो तो गाइस एक बार हॉर्न भी देख लो एक बार यहाँ पे देखो। तो ये हमारा ट्रम्पेट वाला क्रेटा साउंड वाला। हाँ जी, ठीक है भैया। प्राइस भी बताते चलते हैं। हाँ हाँ, जो अपना हेडलैम्प लगा है, हेडलैम्प के अंदर एलईडी लगे 220 वाट की, ठीक है, और इसकी दो साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है। और ये 4500 रुपए का पेयर है ये, ठीक है, ठीक है जी। नीचे यूनो मिंडा के फॉग लैम्प है, ये 2200 रुपए के है, ठीक है, रिले वायरिंग के साथ में कंप्लीट। और इसके अंदर एलईडी का जो खर्चा है 75 वाट की, 2000 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है। ये डीआरएल है मैट्रिक्स स्टाइल में, ये 3200 रुपए के पड़ते हैं दोनों लगा के, ठीक है भाई, बढ़िया चीज है गाइस। हाँ जी, तो गाइस अब यहाँ पे हमने ये दिखाई दिया आप लोगों को, व्हील कवर 800 300 की पेंट टोटल, ठीक है, 1100 रुपए। ये ऑटो फोल्ड मिरर चेंज हुए पूरे, हाँ, ये देख सकते हो। बेस मॉडल में जो ये लाइट वाला इंडिकेटर, लाइट वाला नहीं आता, ये इंडिकेटर लाइट भी आ गया। प्लस आपको पहले बिल्कुल डमी बेसिक सा डमी, जो होता है डमी, वो रखवा दिया, ठीक है। वो बेस मॉडल में नहीं आता, लाइट आता ही नहीं, नॉर्मल सा मिरर आता है। अंदर से मिरर एडजस्टिंग करने वाली डंडी आती है, ठीक है। तो यहाँ ऑटो फोल्ड का प्रॉपर स्विच लग गया, प्रॉपर तरीके स्विच भी लग गया यहाँ पे, देख सकते हो। यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड भी होगा और लॉक अनलॉक पे भी फोल्ड अनफोल्ड होगा, वो भी चेक करा देंगे। वो भी चीज मैं आप लोग को दिखा दूंगा, पहले एक्सटीरियर कवर कर लेते हैं हमारे डोर वाइजर, ये सब फिर इन सब चीज के बारे में डिटेल में आएंगे। गाइस ये देख लो, ये डोर वाइजर लगाए, देख सकते हो, गैलियो कंपनी की रहने वाली है, क्रो लाइनिंग के साथ में प्रॉपर, ये ठीक है। और ये प्रॉपर टियागो का एंटीना है, जो हमने स्टार्टिंग में भी दिखाया, तो देखो प्रॉपर वर्किंग वाला है हमारा, वर्किंग और एडजस्टेबल भी है प्रॉपर, ठीक है भाई, ये बढ़िया चीज है, ठीक है। ऑटो फोल्ड मिरर दिखा दिया था, ये विंडो गार्निश क्रोम है, ये देख सकते हो, इसकी लाइफ टाइम की गारंटी है, ठीक है। और ये हैंडल क्रोम, ये गैलियो कंपनी की रहने वाली है, ठीक है। नीचे साइड बिटिंग देख सकते हो, ये भी आपकी क्रोम लाइनिंग के साथ में प्रॉपर ये। और प्राइस भी बताते चलते हैं, एंटीना 500 रुपए की अपनी विद वायरिंग, ठीक है। ये डोर वायर गैलियो कंपनी की है, 1200 रुपए की, इसकी अफ्टर मार्केट आती है क्रोम वाली, वो 800 की होती है, फुल ब्लैक आती है वो 500 की होती है, ठीक है। ये 1200 की है, गैलियो कंपनी की है, ठीक है। ये विंडो गार्निश क्रोम, जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी है, प्रॉपर यहाँ तक फिटिंग मिलेगी आपको, ठीक है। ये देख सकते हो, ये है अपना 1200 रुपए के, चारों हैंडल, ठीक है। हैंडल चारों हैंडल 800 रुपए के, गैलियो कंपनी का पड़ेगा हमारा। साइड बिटिंग ये जो है क्रोम लाइनिंग के साथ में, ये 1000 रुपए का है सेट पूरा चारों डोर का, ठीक है। इसमें फुल ब्लैक लेंगे तो 500 रुपए का पड़ता है, 500 रुपए का पड़ता है प्रॉपर। ये टियागो के ये रहने वाले आपके, देख सकते हो साइड बिटिंग, ठीक है, ठीक है जी। तो गाइस अब चलते हैं रियर की तरफ। ये हम लोगों ने साइड प्रोफाइल पूरा कवर कर लिया, ये हमारी कार का कुछ रियर प्रोफाइल। ये बैक कैमरा लगाया है, जैसे टॉप मॉडल में लग के आता ना उसी जगह पे प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है, देख सकते हो, ठीक है भाई। ये देखो डीपली मैं आप लोग को दिखा दूं, हाँ जी, ये देखो। और पूरी वायरिंग यहाँ से देख सकते हो, अंडरग्राउंड मिलेगा आपको, कोई वायरिंग दिखेगा नहीं कहाँ से गया है नहीं गया, प्रॉपर फिटिंग और अंडरग्राउंड वायरिंग। इसलिए डिजिटल कार श्रृंगार जाना जाता है, स्टार्टिंग से टाटा मेकिंग है। ये पार्सल ट्रे आपका देख सकते हो, ये टाटा का ओरिजिनल है, ये देख सकते हो, टियागो के लिए प्रॉपर ये पार्ट नंबर के साथ, पार्ट नंबर के साथ में ये इंस्टॉल हुआ है, ठीक ये है। छोटे बेस ट्यूब लगाया है, ये 8 इंची की, ये भी अल्ट्रा ऑडियो की रहने वाली है, ठीक है। तो ये बेस ट्यूब भी लगाया हमने इसके अंदर, ठीक है। बाकी जो सामान वगैरह निकला है वो गाड़ी में रखवा दिया, जैसे देख सकते हो पुराने जो ही पार्ट्स हुए हैं, हाँ जी, जो डमी पीसेज होते हैं वो निकले हैं, ठीक है। तो यही ओवरऑल एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन है। हाँ जी, अब चलते हैं गाइस सबसे पहले सेंटर लॉकिंग में, फिर आपको ऑटो फोल्ड और इंटीरियर। सेंटर लॉकिंग लगाया, ये आरडी कंपनी की है, विद स्लिप की रिमोट के साथ में, देख सकते हो आरडी
स्लिप की रिमोट और ठीक है मोनो के साथ में प्रॉपर है, ठीक है। इसकी 3 साल की गारंटी है, 2 रिमोट मिलता है, एक फ्लिप की एक सिंपल रिमोट, सिंपल रिमोट दोनों है। रिमोट मिलते हैं दोनों, मतलब जो हमारी नॉर्मल की है उसमें रिमोट लगा लो, रिमोट लगा लो जाएगा, और इसमें पूरा फ्लिप की बना लो, ठीक है भैया। इसकी भी कॉस्ट बताते हैं, फिटिंग करके 3500 रुपए का पड़ता है, 3 साल की डोर स्टेप सर्विस के साथ में कंपनी की वारंटी मिलती है ऑल ओवर इंडिया गाइस। तो अब ऑटो फोल्ड का पहले फंक्शनिंग दिखा देते हैं, ये जैसे लॉक करेंगे तो ये मिरर फोल्ड हो जाएंगे, दोनों मिरर फोल्ड हो गए आपको देख सकते हो, और ये गाड़ी लॉक हो चुकी है, गाड़ी हमारी लॉक है, ठीक है। यहाँ से अनलॉक करेंगे, मिरर अनफोल्ड होगा भाई, मिरर हमारे खुल गए और गाड़ी भी हमारी ओपन हो गई। अरे वाह, मजेदार चीज है भाई। अब अंदर से गाइस आप लोग को एडजस्टिंग में दिखा देता हूँ, तो ये देखो ये स्विच है हमारा ऑल ओरिजिनल, इसके लिए पूरा का पूरा ये पैनल चेंज होता है दोनों तरफ, दोनों पैनल अंदर का भी चेंज होता है, मिरर भी चेंज होता है, स्विच लगता है ओरिजिनल टाटा का स्विच है, और यहाँ पे जैसे सेंटर पे किया हुआ तो एक वन क्लिक करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा, दोनों मिरर फोल्ड हो गए, यहाँ से दोबारा क्लिक करेंगे अनफोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आर और एल, इसको हम आर पे करेंगे तो राइट का मिरर आपका वर्किंग होगा, जैसे नीचे आर पे करके इसको नीचे की तरफ करेंगे तो ये देख सकते हो अंदर के जो शीशे है टुकड़ी, बिल्कुल ये एडजस्ट हो रही है पूरी, नीचे के क्या नीचे जा रहे हैं, ऊपर करेंगे ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। बाहर की तरफ करेंगे बाहर का बाहर जाएगा बाहर, और अंदर करेंगे अंदर आएगा। तो ये एल पे किया मतलब लेफ्ट पे, और यहाँ से देख सकते हो तो ये यहाँ से ये नीचे, ये देखो भाई पूरा एडजस्टिंग हमारा, और ये ऊपर, ये देखो भाई पूरा का पूरा हमारा ऊपर, ठीक है भैया। ये अंदर की तरफ करेंगे अंदर आएगा, ठीक है, और ये बाहर करेंगे बाहर आएगा। अरे वाह मजेदार, बिल्कुल हमारा ऑटो फोल्ड जेन्युइन तरीके से जेन्युइन जो आता है कंपनी से वही चीज है ये, बिल्कुल टॉप मॉडल में आता है। और यहाँ से इसको सेंटर में लाया है और इसको भी फोल्ड करके दिखाते हैं, यहाँ से देखो भाई जैसे वन क्लिक करेंगे ये फोल्ड और वो फोल्ड, ठीक है। यहाँ से फिर क्लिक करेंगे, यहाँ से देख सकते हो यहाँ लाओ, ये देखो भाई ये अनफोल्ड हो जाएगा दोनों हमारा अनफोल्ड, ठीक है भैया। हाँ जी, ये पावर विंडो देख सकते हो प्रॉपर, ये ओरिजिनल टाटा का है और लाइट पूरी स्विच में वर्किंग है, लाइट ठीक है। तो गाइस इसमें ना चारों ही मैनुअल हमारे आते हैं, जो कि यहाँ पे होता है उसको प्रॉपरली पैक कर दिया जाता है, वहाँ पे ही पैक कर दिया गया है। तो हमने ये वाला पैनल बिल्कुल डमी आता है खाली, तो उसको रिप्लेस करके ऑल फोर हमने कर दिया, ऑल फोर स्विच वाले लगे हैं, ओरिजिनल टाटा का जेन्युइन है, स्विच पैनल सारे ओरिजिनल है। यहाँ से फ्रंट का भी देख सकते हो और बैक का भी देख सकते हो, रियर का हमारा, रियर का, ठीक है भैया। चला के दिखाते हैं, ठीक है। तो ये नीचे, ठीक है, ऊपर ये देखो भाई ऊपर हमारा साथ के साथ, ठीक है भैया। दूसरे साइड का दिखाते हैं, ये नीचे, ठीक है, और ये ऊपर, ये देखो भाई, ठीक है भैया। और ये पीछे का, ये नीचे, ये देखो भाई नीचे हमारा, ठीक है भैया। और ये ऊपर, ये देखो भाई पूरा फास्ट हमारा वर्किंग है भाई, ये उस साइड का भी देख सकते हो, उस साइड का देखो भाई, वो देखो ये नीचे, ठीक है भैया। और ये ऊपर, ये देखो भाई प्रॉपर तरीके से पूरा हमारा फंक्शनिंग है। रियर साइड से भी आप लोग को दिखा देते हैं एक बार, तो भैया रियर का दिखा देना, देखो ये चाइल्ड लॉक लगा हुआ है, ठीक है, अभी चाइल्ड लॉक लगा हुआ है, ये चाइल्ड लॉक है, ठीक है भैया। जैसे चाइल्ड लॉक खोले भाई यहाँ पे, तो ये देखो ये नीचे, ठीक है भैया। और ये ऊपर, ये देखो भाई साथ के साथ हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से चाइल्ड लॉक होता है, जैसे बच्चे बैठे हैं पीछे छेरे ना, तो इसको आप चाइल्ड लॉक कर सकते हो, तो यहाँ से फिर पीछे का स्विच काम करना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये देखो वर्किंग ही नहीं करेगा, चलो भाई बढ़िया चीज है गाइस। अब मैं सीधा आप लोग को इंटीरियर मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ, उससे पहले दोनों का प्राइस इसका तो भैया ने बता दिया। भैया पावर विंडो का क्या कॉस्टिंग आता है? ऑटो फोल्ड का 9000 रुपए, दोबारा बता देते हैं, और पावर विंडो ओरिजिनल जो है टाटा जेन्युइन है 17500 का पड़ता है, 17500। इसमें आफ्टर मार्केट भी आती है दो तरह की, एक आरडी कंपनी की आती है जो यहाँ पे डब्बी लगा के लगता है, ठीक है, वो 8500 की, ठीक है, और यहाँ पे जो लगते हैं स्विच कटिंग करके आरडी कंपनी की जो हम लगाते थे पहले यहाँ पे स्विच ऊपर की तरफ, जब ओरिजिनल नहीं आया था, नहीं आया था, ठीक है, वो 9700 की, ठीक है, यहाँ पे स्विच उसका लग जाता है प्रॉपर। और ये जेन्युइन पूरा पैनल चेंज करवाएंगे तो 17500। चलो भाई बढ़िया चीज है गाइस, तो मैं सीधा आप लोग को इंटीरियर दिखाता हूं। सो गाइस ये हमारी टियागो कुछ इंटीरियर रहने वाला है। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे देखू तो भाई GFX मैट ब्रांडेड डील में ब्रांडेड चीज में काम करते हो, पूरा प्रॉपर S2S फिटिंग, हमारा क्रोकोडाइल फ्लोरिंग पूरा डाई वाला भी है। हाँ जी डाई वाला है, पूरा वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, ठीक है, क्लीन, इजी टू क्लीन है, गीला कपड़ा मारेंगे कुछ भी गिरता है आराम से साफ हो जाएगा, ठीक है भाई बढ़िया चीज है। मैट के नीचे भी, और इस सीट को देख सकते हो फुल बकेट, फुल बकेट हमारा, ठीक है, ब्लैक में है, अक्सर ये देख सकते हो बीच में पंचिंग है प्रॉपर, ये ठीक है। तो ये वाला सीट को लगाया, सीट को अपने पास भी है तीन वैरायटी अवेलेबल है, 4500, 5500 और 6500, ठीक है। तो ये जो लगा भी है ये 5500 वाला रेंज है, ये 5 साल की जिसकी गारंटी है, बेहतरीन। फुल ब्लैक भी है, फुल ब्लैक चाहते थे, हाँ फुल ब्लैक चाहते थे। और डिजाइन अपने पास सर 25-30 होता है कलर, अलग अलग डिफरेंट कलर, और कुछ अलग भी बनवाना है तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, 3 घंटे में बना के लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ जी चलो भाई बढ़िया चीज गाइस। अब अंदर की बात करते हैं, तो सबसे पहले जेन्युइन चीज हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल भी है, स्टार्टिंग में आप लोग को दिखा रहे थे, और एक क्रूज कंट्रोल के साथ है प्रॉपर तरीके से, मैं आप लोग को दिखा दूं। तो भाई ये देखो, इसमें हमारा प्लस
ये देखो भाई, और ये भाई हमारा माइना, सब कुछ प्रॉपर तरीके से वर्किंग करेगा यहाँ पे। क्रूज वाला वर्क नहीं करेगा, खाली क्रूज वर्क नहीं करेगा। बेस मॉडल में क्रूज टाटा की गाड़ी वर्क नहीं करता, बाकी ये सारा वर्क करेगा आपका। जैसे देख सकते हो म्यूट का है ये, आपका कॉल उठाने का हमारा, प्लस माइनस, प्लस माइनस चेंज करना, चेंज करने का, मोड वाला सब काम करेगा भाई। ये देखो भाई, बिल्कुल बेहतरीन चीज है गाइस। और पूरा लाइट भी वर्किंग के साथ है, ऑफ करेंगे तो लाइट ऑफ, और ये ऑन करेंगे तो लाइट ऑन। ये देखो भाई, बेहतरीन चीज है भाई। ज्यादा देर नहीं चलाएंगे, कॉपीराइट आ जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन चीज भैया। तो आज हमने एंड्रॉइड कुछ अलग, कुछ यूनिक लगाया है। आज हमने अल्ट्रा प्रो मैक्स लगाया है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर 464 वाला, 464 वाला है। बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर सिम भी सपोर्टेबल है, ठीक है, 4G सिम सपोर्टेबल है। इसके अंदर सिम भी चलेगा और 5G वाईफाई चलेगा, 5G वाईफाई चलेगा। बहुत अच्छा है, टच रिस्पॉन्स भी इसकी अच्छी है, आउटपुट भी काफी अच्छी है इसकी। ये देखो भाई, ये देखो भाई, टच देखो, साथ साथ भाई HD की क्वालिटी देखो, बहुत बढ़िया चीज है भाई। 464 में तो कभी तो दिक्कत आ नहीं, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। और एक साल की इसकी रिप्लेसमेंट गारंटी है, ठीक है। कॉस्ट भी बताते चलते हैं। तो स्पीकर लगे हैं इसके अंदर अल्ट्रा ऑडियो के, चारों डोर के अंदर नॉर्मल कोक्सियल स्पीकर लगे हैं, ठीक है। जो 2000 रुपए का एक पेयर है, चारों गेट में 4000 का दो पेयर स्पीकर लगे हैं, ठीक है। एक बेस ट्यूब लगा है 3500 रुपए का, ठीक है, ये भी अल्ट्रा ऑडियो का है। और स्क्रीन जो है 17500 रुपए का है, ठीक है। अल्ट्रा ऑडियो हो या कोई भी ब्रांड हो, हमारे पास स्क्रीन 3500 से स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल विंडो 6500 तक के रेंज में सही मिल जाता है, 6500-7000 के रेंज में मिल जाता है। उसके बाद इंडोर ऑटो कारप्ले लेंगे तो 8500 से लेके 25000 तक की रेंज होता है। अरे मजेदार चीज तो है। जो सा कस्टमर का जो बजट है, उस हिसाब से जो उनको अच्छा लगे उस हिसाब से करवाते हैं। और एक चीज हम लोग करते हैं, पहले चेक कराते हैं, जो सा उनका बजट में आता है वो लगवाते हैं। तो ये तो खुद ही इनकी अल्ट्रा ऑडियो वाले की गाड़ी है, तो अपने पसंद से सबसे लेटेस्ट जो चीज है वो चीज इन्होंने लगवाया है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी स्क्रीन इनकी जो है 6500 की भी अच्छी है, और जो और कंपनी है इधर 5000-3500-4000 के रेंज में, वो भी सब सही है, गारंटी एक साल की मिलती है। लेकिन अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन जो लोगे तो 500 से स्टार्टिंग हो जाता है, बेस्ट चीज जो रिकमेंडेड होता है, ठीक है भैया। और ये स्टीयरिंग कंट्रोल टाटा जेनमन है, देख सकते हो स्टीयरिंग कवर हमारा, ठीक है। स्टीयरिंग कंट्रोल ये ओरिजिनल टाटा का है, ये 3500 रुपए का लगा के देते हैं हम लोग, ठीक है। और ये ऑप्शन है, या क्रूज वाला ले लो या डमी, क्रूज वाला ले लो या डमी ले लो, कोई भी ले लो, क्रूज वाला ले लो या सिंगल साइड वाला ले लो। हाँ बिल्कुल, ये जो है डमी है, ये नहीं चलता आपका क्रूज, ठीक है। इसमें ऑप्शन ये मिलता है कलर, जैसे मैट ब्लैक है तो एक ग्लोसी ब्लैक वाला भी फ्रेम आता है, अच्छा, वो भी अपने पास ग्रे टाइप का, ग्रे टाइप भी है ये। तो दोनों तीनों ऑप्शन है, आप लगवा सकते हो, हमारे पास सारे अवेलेबल होते हैं। चलो स्टीयरिंग कवर ये फुल ब्लैक में है, और पूरा रैप है, जैसे टॉप मॉडल में लग के आता है वही चीज है, प्रॉपर ग्रिपिंग काफी अच्छी है भाई। ये देखो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से लग रहा है जी, सिलाई बिल्कुल जेन्युइन तरीके से की गई है, बहुत बारीक सिलाई होता है, कम से कम 1.5 घंटा इसको सिलने में लगता है। हाँ जी हाँ जी, पूरा रैप किया जाता है, चिपका के पूरा, ये देख सकते हो, कोई हिलेगा डोलेगा नहीं आपका, और जब तक ये गाड़ी है तब तक इसको कुछ नहीं होगा, ग्रिपिंग काफी अच्छी हो जाती है, देख सकते हो। चलो भाई बड़ा चीज है भैया। एक चीज है कि मतलब जैसे कि भैया मार्केट के भी बंदे हैं, मार्केट में पूरा मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूटर है, इसी लेन पर, लेकिन आप ही के पास आए, मतलब कुछ ट्रस्ट, हम जो दिखाते हैं सच दिखाते हैं, काम उन्होंने भी देखा होगा, बिल्कुल, कि कहीं भी काम करा सकते थे, कहीं भी करा सकते, तो वेट भी करा उन्होंने 1.5 महीना, बिल्कुल। वो उनको भी पता ना कि टाटा की गाड़ी धर्मेंद्र भैया ही करते हैं, डिजिटल कार ही करते हैं, और सबसे बेस्ट काम यहीं पे होता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए वो वेट कर रहे थे। और जितने भी हमारे जो कस्टमर है या डीलर है, चाहे जो भी है, चाहे मार्केट के बंदे हैं, दुकान वाले हैं, जो अदर कोई गाड़ी करते हैं, तो टाटा की गाड़ी आती है ना, तो वो भी कहते हैं भैया आप डिजिटल कार सिंगार पे चले जाओ, बिल्कुल वहाँ पे बेस्ट काम आपको मिलेगा। बिल्कुल देखो, मैं कहूंगा तो कुछ ऐसे होगा नहीं, क्योंकि मैं तो एक दुकानदार हूँ शॉपकीपर, बिल्कुल। बाकी जो भी है कहीं से भी पता भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो है सच बात है। चलो भाई बढ़िया चीज है गाइस। तो यही एक ओवरऑल मॉडिफिकेशन थी हमारे भाई की, भाई कैमरा भी रिवर्स कैमरा भी चेक करा, रिवर्स कैमरा रह गया था वो मैं आप लोग को दिखाता। तो ये देखो भाई, पूरा हमारा ये HD सेंसर के साथ वाला भैया, देखो ये जो है बेस मॉडल है, तो इसका सेंसर जो होता है ना यहाँ पे, इससे कनेक्ट होता है मीटर से, ठीक है। सेंसर आपका यहाँ मीटर पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अगर बेस मॉडल से ऊपर मॉडल होता, XM वगैरह होता, तो यहाँ पे पूरा सेंसर वर्क करता, लेकिन ये स्क्रीन हमारा उस टाइप का XM टाइप, सेंसर सपोर्टेबल स्क्रीन है, बिल्कुल। हाँ जी भाई, स्क्रीन उस टाइप का है, ये पूरा वर्किंग है, और क्वालिटी हमेशा A1, A1 देते हैं वही पूरा हमारा A1। चलो भाई बड़ा चीज है गाइस। तो यही एक ओवरऑल मॉडिफिकेशन थी हमारे भैया की कार में। वैसे तो पूरा कवर अप हो ही गया, जो जो चीज होना चाहिए था। आप लोग कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं टाटा जेनो पार्ट्स में, देखो यहाँ अल्ट्रोस की मॉडिफिकेशन अभी चली रही है, कोई प्लान कर रहे हो अपनी कार मॉडिफिकेशन का, तो डू कॉन्टैक्ट डिजिटल कार श्रृंगार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।